सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नया ब्लॉग में। तो आज हमारे सामने है दो अच्छी सी बाइक, दो 250 सेगमेंट की जो बेस्ट बाइक में से एक है। एक है डोमिनार 250 बजाज की और दूसरा है वी बजाज का, ही है पल्सर F250। ठीक है, और दोनों अगर पावर की बात कर ली जाए तो ये आपको 24 PS की पावर प्रोड्यूस करती है 8000 RPM पे, और दूसरा जो बजाज डोमिनार है वो आपको 27 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, वो भी 8500 के RPM पे, जो कि मतलब हाँ एवरेज अगर बाइक का देखा जाए तो दोनों ठीक है मतलब। और प्राइस की बात कर ले जाए तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, ये आपको ऑन रोड 2 लाख के आसपास पड़ती है उत्तर प्रदेश में, और ये भी बजाज F250 भी आप पड़ती है। अगर दोनों बाइक की बात कर ली जाए तो ये जो F250 है वो आधा नेक मतलब आधा फेयरिंग है आधा नेकेड है, फुली फेयरिंग नहीं है ना फुली नेकेड है, और जो डोमिनार 250 है वो फुली नेकेड है। और लुक्स की बात कर ली जाए तो दोनों का लुक्स काफ़ी एकदम मतलब बेहतरीन है। ये आपको डोमिनार 400 से इंस्पायर्ड है डोमिनार 250, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो F250 है वो इसका एक अलग ही लुक बनता है। और एग्जॉस्ट नोट दोनों की भाई बहुत तगड़ी है, दोनों की बेसी साउंड है। तो चलो ड्रैग रेस चालू करते हैं, और हमारे साथ है अविनाश भैया द UP46 राइडर, उनके साथ मैं चलाने वाला हूँ सबसे पहले डोमिनार। आप भैया वहीं चलाने वाले ना? हाँ ठीक ठीक। आगे निकल गई देन यहां पे भी आगे निकल 98। ये डोमिनार 250 उससे आगे निकल गई, पावर में थोड़ी सी ज्यादा है इस वजह से। और जो हल्की सी फेयरिंग होने का फायदा देखो, दोनों नेक टू नेक एकदम फाइट है। दोनों नेक टू नेक एकदम फाइट है भाई, मतलब ना कोई जीता है ना कोई हारा है दोनों बाइकों में। अब दोनों का ड्राइवर चेंज करके देखते हैं कि कौन आगे निकल जाती है। और वेट रेशियो की बात करी जाए तो दोनों अविनाश भैया का मतलब सेम वेट ही है मेरे से अप्रॉक्स, मतलब वहाँ हो सकता है 5 kg ज़्यादा हो आसपास। ठीक, अब मैं आ गया हूँ पल्सर F250 पे। लॉन्चिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई तो भैया आगे निकल गए। अगर F250 की बात करी जाए तो ये सिर्फ फिफ्थ गियर तक ही है, फिक्स फिफ्थ गियर तक, मतलब 5 ही ट्रांसमिशन गियर थे इसमें। और देखो बार बार इसमें भी लिमिटर आने लगा, तो अभी ये रहा कि डोमिनार 250 दूसरे सेगमेंट में मतलब दूसरी उसमें आगे निकल गए। और दोनों बाइक ऑलमोस्ट मतलब
बराबर कैटेगरी के हैं। फर्स्ट राउंड में दोनों बाइक एकदम से नेक टू नेक, मतलब सेम एकदम नेक टू नेक फाइट करी, लेकिन सेकंड राउंड में मेरे को थोड़ा लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से डोमिनार 250 आगे निकल गई। तो ये रहा दो बाइकों का ड्रैग रेस, F250 और डोमिनार 250 का। तो चलो आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।